कोई है जो ट्रांसलेट कर सकता है इसे? आप इसे कोई जो ट्रांसलेट कर सकता है इसे? इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक्वम व यबशुरु लज़ीना यामलून अस्सहियात अन्न लहुम अजरन करीमा। जी अरबी वाले दोस्त परेशान हो गए आप? अब ये मुझे गुफ्तगू नहीं करनी है कि मान में मैं और करता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे। नॉट एट ऑल, दिस इज नो, मैं तो क्लासरूम में कायल नहीं हूं। इस तरह जी कोई ट्रांसलेशन करेगा? अन्ना हाज़ल कुरान, ये जो आपके सामने जिसका इमेज मौजूद है, अन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक्वम, पहली बात। दूसरी बात, वयुबशिरु المؤمنین الذين يعملون الصالحات, तीसरी बात, अन्न लहुम अजरन करीमा। ये अरबी है ना हमारे इस स्कूल में, दैट इज कंपल्सरी, कंपल्सरी है ना जी। कोई है जो ट्रांसलेशन करेगा? जी बैठ 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 बैठ। इन हाज कुरान, ये कुरान है जी, यहदी लिल्लती अक्वम, जो कौमों को हिदायत देता है। यहदी लिल्लती हिय अक्वम, मुत्तकी लोगों को हिदायत देता है। ठीक, वही बच्चा और हिदायत देता है वो उनको जो नए काम करते हैं। ठीक है, अन्ना लहुम अजरन करीमा, ठीक है 50% ही है। बट व्हेन आई रियली इनिशिएटेड आई रियली आई एम प्राउड ऑफ यू जेंटलमैन, और ही इज ऑलवेज फर्स्ट, he is always first in the boys section or in so many senses. maine jab bachchu ki class li thi 6 to 10 spoken ki wali grammar ki class chalti rahi, aur inki class that was the best class in that law that session. so i request just to clap for class. the aur bhi dost aur bhi colleague, inna hazal quran, beshak ye quran yahdi हिदायत देता है, रास्ता दिखाता है, गाइड करता है। कौन सा रास्ता? अल्लती है या अक्वम, वो रास्ता जो अक्वम है, सही तरीन है। यहदी लिल्लती है या कुरान वो किताब है जो उस रास्ते की तरफ हिदायत देता है, वो रास्ता दिखाता है जो अक्वम कायम तरीन है, सही तरीन है, कभी डगमगा नहीं सकता, कभी मुतजलजल नहीं हो सकता। पहली बात कि कुरान क्या है। सेकेंडली, वयुबशिरु, और यही कुरान बशारत देता है, खुशखबरी देता है इन्हें, उन लोगों को, अल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहात, जो सालिहात नेक अमल करते हैं, और साले वो अमल जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में किया जाए, इस तरह आपने किया इसी तरह किया जाए, वो अपने साले होगा। उससे हटकर जहर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अमले साले नहीं होगा बल्कि वो अमले शैतान होगा। तो ये उन लोगों को बशारत देता है जो कौन से अमाल करते हैं? सालेहान। और वो बशारत की उसका मोड क्या है जी? और दूसरी बात कहते हैं जी, अन्न लहुम, बशारत क्या है कि उन लोगों के लिए, उन मोमिनीन के लिए, कुरान की उन फॉलोअर्स के लिए क्या है जी? अजरन करीमा, अजर है, बदला है, रिवार्ड है। कौन सा? करीमा। और याद रखो, जब भी किसी लफ्ज में ये आ जाए रफी, करीम, जहीर, तो उसमें जो सिफत होती है वो परमानेंट होती है। एक बंद अच्छा है ना, हो सकता है आज अच्छा कल बुरा हो जाए, लेकिन जिस लफ्ज में रफीक, रफाकत, परमानेंट, तो कुरान कहता है कि उसे जो अजर दिया जाएगा वो हमेशा के लिए होगा। अजरन करीमा, करीम होगा, हमेशा के लिए इज्जत वाला होगा। लेट्स प्लान कि हमें किसे फॉलो करना है। वी हैव टू फॉलो द होली कुरान जिसमें हमारा ईमान है, श्योर दैट हमें कोई नॉन मुस्लिम नहीं बैठा जा रहा, हम सभी का यकीन है। और उसी कुरान मुकद्दस में मर्दों के हवाले से एक बात कही गई सूरह नूर की आयत नंबर 29 में, और औरतों के लिए सूरह नूर की आयत नंबर 30 में। फिर वादा करें आज सारे दोस्त जाकर आयत नंबर 29 और 30 देखेंगे। प्रॉमिस, सूरतुन नूर वर्स नंबर 29 फॉर मेल्स एंड वर्स नंबर 30 फॉर फीमेल्स। कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यख़्ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम। 29 और 30 है। कुल लिल मोमिनात, कुल लिल मोमिनात, मोमिन मोमिन होते हैं,
يغزوزنا بسارهن ويحفظنا فروجهن ذلك أزكى لهن.